मंडी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अपंग व्यक्ति के परिवार की महिलाएं राजकुमारी और करुणा गुप्ता ने उक्त आरोप लगाते हुए कहा कि एक ठेकेदार ने उनके घर का रास्ता बंद कर दिया है। ये सरकारी भूमि है, इसी पर सदियों से उनका आने जाने का रास्ता था। इस कार्रवाई में ठेकेदार का भाई भी ठेकेदार का साथ दे रहा है और रास्ता रोकने में दोनों भाई बराबर के दोषी हैं। ये जमीन उनकी मलकियत नहीं है, इस पर सरकार का मालिकाना हक है। इसी पर उनके घर का रास्ता जाता था, अब उन्हें पड़ोसियों के स्लैब से होकर तीसरी मंजिल से नीचे आना पड़ रहा है, तब जाकर वे घर पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने कई बार ठेकेदार से आग्रह किया कि इस जमीन पर कब्जा ना करे, उनके लिए रास्ता छोड़ दे, 1 मीटर रास्ता भी उन्होंने नहीं दिया। ठेकेदार ऊंची पहुंच रखता है और पैसे वाला आदमी है, लेकिन वे अपने सामाजिक दायित्व को भूल चुका है। किसी का रास्ता नहीं रोका जाना चाहिए। प्रभावित महिलाओं ने डीसी मंडी से आग्रह करते हुए कहा कि डीसी इस मामले में हस्तक्षेप करें और उन्हें रास्ता दिलाया जाए। ये जमीन खसरा नंबर जिस पर दीवार खड़ी की गई है, ये सरकारी जमीन है, इस पर तहसीलदार को भी शिकायत सौंपी थी। उन्होंने इस पर मिसल तो बना दी मगर कार्रवाई नहीं हो पाई। इस बारे में सीएम को भी एक पत्र लिखा गया है। इसके अलावा प्रधान रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। महिलाओं ने प्रशासन को चेताया कि यदि उन्हें रास्ता नहीं दिलाया गया तो वे अपना आंदोलन भूख हड़ताल तक कर सकती हैं। मैं करुणा परमार, खुशाल चंद महाजन जी और राजकुमारी जी की बहू, उनकी तरफ से अपने आपके सामने बात रखना चाह रही हूँ। हमारा रास्ता जो है, एकमात्र रास्ता जो हमारे घर को जाता है, वो हमारे ही पड़ोसियों ने अपनी सुरक्षा दीवार लगा के बंद कर दिया हुआ है। हमारा आंगन, हमारा चलना फिरना उन्हीं की दीवार के अंदर हो रहा है, लेकिन हमें अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं है। और हम जो है इस टाइम दूसरा जो हमारे घर के साथ ही जो घर लग रहा है उससे होके जाते हैं, उनके गेस्ट रूम से होके हम 3 मंजिलें चढ़ते हैं, फिर अपने छत पे पहुंचते हैं, तब वहां से उतर के अपने घर पे पहुंच रहे हैं। तो इससे ज्यादा दिक्कत क्या होगी? जो ससुर है मेरे, वो काफी सालों से बीमार है, वो बालक तुल्य जीवन जी रहे हैं। हमें उन्हें मोटिवेट करने के लिए अपना समय देना पड़ता है, दिन में कितनी बार, तो तब जाके हम उनको थोड़ा बूस्टअप कर पा रहे हैं। और इन्हें तो आप देख ही रहे हैं, ये भी सीनियर सिटीजन में आते हैं, लेकिन उनको कोई शर्म नहीं है। हम लोग तो जैसे मर्जी आज आ जाएं, लेकिन ये बुजुर्ग बीमार हुए, कैसे हुए, पीछे इनकी इतनी प्रॉब्लम रही, इनको बेड रेस्ट बोला था तो काहे का बेड रेस्ट, जब 4-4 मंजिलें उतर के हॉस्पिटल दिखाने जाना पड़ना, वो बेड रेस्ट वहीं कंप्लीट हो जाता था, लेकिन वो लोग घोस दबाए जा रहे हैं। और ये जो रास्ता बंद हुआ है जिस दीवार के कारण, वो दीवार गवर्नमेंट लैंड पे है और इन्हीं लोगों ने एक बिल्डिंग बनाई हुई है जिसमें ये अपना बिजनेस भी करते हैं, मतलब ऑफिस चलता है इनका, वो भी गवर्नमेंट लैंड पे ही है। और ये प्रूव्ड है, मिसल्स कट चुकी हैं इन चीजों की, दीवार की भी और वो जो बिल्डिंग है उसकी भी। अब हम यही विनती है प्रशासन से कि किस तरह से हमें गाइड करें या हमारी हेल्प करें कि हमारा रास्ता खोलें। दो दो सीनियर सिटीजन हैं और बीमार हैं,